वस्तुआचार्य श्री सुभाष रोकड़े मालेगांव महाराष्ट्र से अपनी शंका रखते हैं। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक है, फिर आश्रव की 25 क्रिया में सम्यक्त क्रिया को कर्म का आश्रव कैसे कहा गया है? यह बात तो बिल्कुल सही है कि मोक्ष मार्ग की यदि पहली सीढ़ी कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। भटकाव बंद पहले होना चाहिए, मिथ्यात् पहले दूर होना चाहिए, सही रास्ता का ज्ञान पहले होना चाहिए, सही रास्ता पर श्रद्धा पहले होना चाहिए, वो पहली सीढ़ी हो सकती है। अब सीढ़ी चढ़ते हैं तो जो चढ़ चुके हैं तो उनके प्रति अनुराग भी तो आएगा ना, उनके प्रति भक्ति भी तो आएगी कि आप चढ़े तो हम भी चढ़ रहे हैं। तो जो 25 क्रियाओं में जो एक सम्यक दर्शन की जो क्रिया बताई है वो क्यों बताई गई है? आश्रव कारण कि सम्यक दर्शन के काल में जो जिनेन्द्र के प्रति जो भक्ति प्रकट हो रही है, उनके प्रति जो महिमा हमारे अंदर आता है, अनुराग प्रकट होता है, उसके कारण आश्रव होता है। सम्यक दर्शन के काल में पाया जाने वाला जो रागांश है देवशास्त्र गुरु के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, जिन शासन के प्रति, उससे कर्म का पुण्य कर्म का आश्रव होता है। इसलिए आश्रव में सम्यक दर्शन को ही समाविष्ट किया गया है। नमोस्तु आचार्य श्री, अंशुल जैन शाद्रा दिल्ली से अपनी शंका रखते हैं। एक इंद्रिय जीव की आराधना की अपेक्षा पंच इंद्रिय जीव की आराधना में ज्यादा पाप क्यों लगता है? एक इंद्रिय जीव की जो आराधना है उसका प्रायश्चित कम है, पांच इंद्रिय जीव की आराधना का प्रायश्चित ज्यादा है शास्त्रों में, प्रायश्चित ग्रंथों में। वो क्यों? क्योंकि एक एक इंद्रिय से बढ़कर के दो इंद्रिय में आना, तीन इंद्रिय में आना, ये बड़ा पुरुषार्थ है जीव का, और इस पुरुषार्थ की हानि करना में महापाप है। कोई जीव कैसे तो एक इंद्रिय से निकल करके पांच इंद्रिय में आया, कितना बड़ा पुरुषार्थ करके आया होगा। पांच इंद्रिय में उसको जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, संवेदन की शक्ति ज़्यादा मिली, और जिसके कारण वह अपना कल्याण कर सकता है, अच्छे बुरे को जान सकता है। पांच इंद्रिय में आने के बाद क्या अच्छा है क्या बुरा है, मन भी उसको प्राप्त हुआ है, क्षयोपशम भी इतना सुंदर प्राप्त हुआ है, और हमने किसी जीव की हानि कर दी अपने आलस से, अपने प्रमाद से, तो आचार्य वन कहते हैं उसका बड़ा प्रायश्चित है। ना जाने संकलेश प्रणाम से मरण करके पुनः वो एक इंद्रिय आदि में चला गया तो फिर वो कैसे पुरुषार्थ करके वापस फिर पाँच इंद्रिय में आएगा? एक इंद्रिय में कल्याण नहीं है, दो इंद्री में कल्याण नहीं है, तीन में भी नहीं है, चार में भी नहीं है, कल्याण पांच इंद्री पर्याय में है। इसलिए कभी भी पंचेंद्री जीव को दुख पहुंचाना, उसको संकलेश पहुंचाना, उसको आत्महत्या के लिए उकसाना, उसको जान से मारना आदि अनेक कार्य ऐसे ना करें, क्योंकि ये सब महापाप में आता है और सबसे बड़ा इसका प्रायश्चित भी ग्रंथों में होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, कुलभूषण जैन महाराष्ट्र से अपनी शंका रखते हैं। जिन प्रतिमा जी अगर खंडित हो जाए तो उस प्रतिमा जी का अभिषेक व पूजन कर सकते हैं क्या? जिन प्रतिमा का खंडित होना सही नहीं होता है, ये समाज के लिए भी और देश के राजा के लिए भी ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। हमें उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित भी करना चाहिए, जाप आदि करके, उपवास आदि करके, और सिद्ध क्षेत्रों में जा करके उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। और जिन प्रतिमा का खंडन जिन प्रतिमा का पूजन कर सकते हैं यह प्रश्न किया है, तो उन्हें संग्रहालय में रख देना चाहिए या गहरे पानी में बहाना चाहिए या संग्रहालय में विराजमान करना चाहिए। कोई खंडित प्रतिमाएं जैसे गर्दन टूट जाना, हाथ टूट जाना, पाद टूट जाना, तो इस प्रकार से खंडन प्रतिमाओं का जो है पूजन पाठ खंडित ही होती हैं, मन भावन नहीं होती हैं, इसलिए उस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। सर्वांग सुंदर प्रतिमाओं का ही जो है पूजन होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी से अपनी शंका रखते हैं। देवों तथा नारकियों के निहार होता है क्या? देव और नारकियों के आहार है पर निहार नहीं है। ऐसे ही जो तीर्थंकर हैं, जो राजकुमार अवस्था में हैं या मुनि अवस्था में हैं, आहार है पर निहार नहीं है। भोग भूमि के जो जीव हैं उनका भी आहार है पर निहार नहीं है। उनकी जठरांगनी ही इतनी मजबूत होती है कि उसमें सब कुछ स्वाहा हो जाता है, निहार की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से देव और नारकियों में किसी प्रकार का निहार नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री, आरती जैन जयपुर से अपनी शंका रखती हैं। अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है? तिथियों में इसे रिक्ता तिथि कहा जाता है।
ऐसे तिथियों में शुभ कार्य, अच्छे कार्य जो हैं, जो हम करना चाहते हैं, उससे वो रिक्त होते हैं। आचार्यों ने कहा है कि हमें उस दिन बहुत जाप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, एकाशन आदि करना चाहिए, व्रत आदि का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन भूमंडल में एक प्रकार का वातावरण में उठा पटक होती है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में भी जो है हलचल होती है, मानसिक विकृति ज़्यादा प्रकट होती है। तो उस समय यदि हम एकाशन करें, उपवास करें, व्रत नियम पालन करें, जाप आदि करें, तो हमारे आत्मलाभ हमको ज़्यादा मिलेगा, हमारी विकृति जो बढ़ रही है वो दूर होगी। आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश लोग जो हैं, जो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, वो चौदश के दिन ही करते हैं। अधिकांश एक्सीडेंट अष्टमी और चतुर्दशी के दिन होते हैं। वो अपने संयम का पालन नहीं करने के कारण मानसिक विकृति और ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो मन में विचार आया वो पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से अष्टमी चतुर्दशी का ही महत्व है कि उस दिन हमें अपनी मानसिकता ठीक करने के लिए, विकृति को मेंटेनेंस करने के लिए हमें संयम व्रत आदि करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने इसे पर्व भी कह दिया, चतुर्दशी पर्व, अष्टमी पर्व। तो ऐसे पर्व को मनाइए और धर्म ध्यान के साथ उसमें जीवन बिताइए। नमस्तु आचार्य श्री। ममता जैन सूरजमल बिहार से अपनी शंका रखती हैं, शांति धारा क्यों पढ़ते हैं, इसका इतना महत्व क्यों है? शांति धारा, जहाँ पर शांति की धारा हो, व्यक्ति अशांत है, उसके मन में सदा अशांति छाई रहती है, जगत में इतने वह उपद्रवों से, उपसर्गों से या परेशानियों से घिरा रहता है, जिसके कारण उसके अंदर अशांति होती है। तो हम भगवान का ऊपर धारा करके, जल की धारा आदि करके, जल की धारा क्या होती है, शीतल होती है, तो वो शीतलता जगत को प्रदान करे, ऐसी मंगल भावना रखते हैं। उसके मन में शांति प्रकट हो, उसके परिवार में शांति हो, जगत में शांति, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ, देश, राष्ट्र, राजा, प्रजा, यति, पूजक, ये सभी लोग जो हैं, सबके मन की अशांति दूर हो और सब में शांति भाव हो, ये मंगल प्रार्थना है, ये प्रेयर है। जैन समाज जो है प्रतिदिन प्रत्येक मंदिर में प्रेयर करती है। क्या प्रेयर करती है? संपूजकानां प्रतिपालकानां करो, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ, करो तो शांतिं भगवान जिनेन्द्रा। सभी जीवों में अशांति दूर हो और शांति ही शांति हो, तो शांति के लिए शांति धारा होती है, जिससे भगवान का मस्तक में सिर में जल डाला जाता है, वो शीतलता सब जगह पहुँचे, एक एक परमाणु सबके पास पहुँचें और सबकी अशांति दूर हो। तो शांति के लिए शांति धारा की जाती है, उसमें सबके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, सभी जीव सुखी रहें। एक इंद्रिय से लेकर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी के नाम बोलते हैं, सबकी महामारी ना हो, किसी में रोग ना हो, किसी को भय ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, इससे बड़ी प्रार्थना क्या हो सकती है कि विश्व में आनंद हो, लोक में आनंद हो, जीवों में आनंद हो, सभी जीवों में आनंद हो, ऐसी मंगल भावना शांति धारा में की जाती है, इसलिए शांति धारा पढ़ी जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। आरती चोपड़ा बेंगलोर से अपनी शंका रखती हैं, जो माया करते हैं उसका फल क्या होता है? मायाचारी, माया तरेग्य नश्य, सूत्र आया था कि मायाचारी करने से त्रयंच गति का आश्रय होता है। जो व्यक्ति धर्म में मायाचारी करता है, जो व्यक्ति व्यापार में मायाचारी करता है, इस प्रकार से मायाचारी करने वाले के जो परिणाम हैं, उसका फल यह है, त्रयंच गति का आश्रय। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट, मायाचारी, ठगा दगाबाजी नहीं करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।